हेलो गाइज, कैसे हो? केमिस्ट्री इंसाइट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले अपन ने अल्कोहल के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, और आज अपन कुछ अल्कोहल के बाद में फिनोल की बातें करने वाले हैं। फिनोल से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते अपन क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? वॉट आर कंपाउंड्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सिक्वेंस। इन्होंने कहा है कि जो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर कंपाउंड ए और बी क्या होगा वो अपने को चेक करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। क्या कह रहा है इसका सॉल्यूशन? क्या दे रखा है? फिनोल, मतलब फिनोल का सब्स्टिट्यूट दे रखा है, कह दूं मैं यहां पे। तो ये OH और ये इथाइल ग्रुप। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है? NaH से। किससे करा रखी है जी? NaH से। अब बताओ क्या काम होगा, सोचो थोड़ा सा, अपने आप इजी वे में चलेगा सारा। आपको पता है ये क्या है? बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। ये क्या है? H, एसिडिक है। तो यहां से क्या करेगा? ये H को बाहर निकालेगा और क्या होगा? और तो कुछ होना ही नहीं है। तो जब ये H को बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा जी, यहां पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये, और कुल मिलाकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यही होगा -H2। और ये ONa बोल दो, मैं ऐसे बोलूं तो इस तरीके से भाई मीडियम में अट्रैक्शन तो रहेगा ही। अब देखो क्या किया है कि ये Br है, तो Br है, इसका काम क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ दे रखा है जी, ये Br। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? यहां पे, और इसको Br को बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा बाहर? NaBr। और यहां क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये O। अब एक कार्बन तो ये रहा, तो मैं इसको इसे लिख दूं CH2। दूसरा कार्बन ये रहा, तो ये C, और ये आपका CH3, ये डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया जी? आपका A बन गया। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किया क्या है? सबसे पहले अपने एसिड बेस रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करवाया, और क्या करवा दिया अपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी है, और एक तरीके से अपने यहां पे क्या मिल गया? अपने को इथर मिल गया है। यहां तक का अपने को ए बन गया। अब आगे इन्होंने क्या करवा रखा? हीट करवा रखा है। क्या करवा रखा है जी? हीट करवा रखा है। अच्छा, हीट करवा रखा, तो हीट से क्या होगा वो चेक करते हैं। देखो, हीट करवा दिया इसको, ये अप्रोक्स जो हीट है इन्होंने लिखा है, तो अपन को वैसे समझ जाना है कि क्या है। तो बाकी यहां पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये हीट होती है, और यहां पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है? क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब आगे क्या होगा? यहां से देखो, आप इधर देखो, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा हीट की वजह से, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो कुल मिला के कोई ऐसी कोई ट्रांस स्टेट बनने वाली है इसकी। फिर प्रोडक्ट वहां लिख देते हैं अपन, तो ट्रांस स्टेट कुछ ऐसा बन रही है। देखो अच्छे से, इन दोनों बॉन्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर, तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब यहां पर कुछ सिंगल बॉन्ड सा बनेगा, ये बॉन्ड इसका भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये O, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो रहा जाएगा, मतलब एक बॉन्ड हो रहा जाएगा, एक ये वाला बॉन्ड है, फिर ये आपका CH2 है, CH2 के बाद में एक बॉन्ड है, फिर उसके ऊपर एक बॉन्ड और की बात कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या है अपना? ये कार्बन है, कार्बन पे इस CH3 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, है ना, और फिर ये क्या है? CH2 है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये हो रहा है। तो देखो यहां होगा क्या, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा फॉर्म होगा। अगर मैं कहूं कि दिस इज द बॉन्ड फॉर्म, तो ये बॉन्ड क्या होगा इसका? ये ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ये वाला ब्रेक होगा। नहीं, बॉन्ड फॉर्म और ये बॉन्ड ब्रेक, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक कर देंगे, और जो फॉर्म हो रहा है फॉर्म कर देंगे, कर देते हैं जी। तो ऐसा कुछ बन गया जी इसका, ऐसा कुछ बन गया। ये जो जहां है उसको वहीं रख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड O बन गया, ये यहां CH2 है, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये C है, इसके पास में यह क्या है? CH2 है, ये बॉन्ड बन गया, इधर क्या है? CH3 है, बन गया जी। अब देखो आगे क्या होगा। इतना होने के बाद में अब आपको पता है एरोमेटिसिटी गेन करनी है। जब एरोमेटिसिटी गेन करनी है तो यहाँ पे क्या होगा? टोटोमराइज हो जाएगा ये H,
ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ओवरऑल टोटमराइज होकर के क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये तो OH आ गया। यहाँ क्या बन गया, CH2, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये CH3, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, जो इन्होंने पूछा है, पूछा क्या A और B, तो ये अपना क्या बन गया यहाँ पे B। तो इस रिएक्शन के अंदर जो B है वो अपना ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो A कौन सा हुआ, ये वाला, और B कौन सा हुआ, ये। B में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट की वजह से क्लेजन रीअरेंजमेंट हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर इसमें क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट आकर के प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज और आर, रिएक्शन सीक्वेंस इज और आर, कहने का मतलब ये मोर देन वन करेक्ट है। तो अपना माइंड वैसे सेट करना कि काफी सारे आंसर्स इसमें हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन हो सकता है। तो सबसे पहले क्यूमिन की रिएक्शन करा रखी है ऑक्सीजन के साथ में, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है उसका, फिर पी बना रखा है, फिर CaCl3NOH, क्यू और आर, क्यू में मेजर, फिर मेजर वाले से रिएक्शन करा रखी है NOH के साथ, फिर PaCH2Br के साथ और एस बना रखा है। कुछ बातें बोली है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है जी। तो चलते हैं अपन चेक कर लेते हैं इसको, इधर ही लिख लेते हैं अपन। तो देखो क्यूमिन क्या होता है, पहले तो ये तो क्यूमिन होता है अपना, ये क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन बोलते हैं। इसको अपन बेंजीन की रिएक्शन जब अपन CH3CH2CH2Cl AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इन्होंने क्या करवाया है, सबसे पहले रिएक्शन करा रखी है ऑक्सीजन के साथ में, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इसको, हल्का सा इसमें रेडिकल इनिशिएटर भी यूज में कर लेते हैं, मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, और यहां से क्या बन जाएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान लगा के देखिएगा इसको अच्छे से। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से OOH, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, एक बार तो इतना ही पूछा हुआ है। और ये है आपका क्यूमीन, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि इसका H3O+ डाला है अपन ने, जब इसमें आगे H3O+ डालेंगे तो ये होगा क्या, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होकर इसमें रीअरेंजमेंट होते हुए हाइड्रोलाइसिस होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो फिनोल बन जाएगा, और एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, यह है फिनोल और ये। अब यहां पर क्या बन गया, पी, तो पी यहां पर फिनोल है और साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया, एसीटोन बन गया। अब ये कह रखा है कि पी की जो रिएक्शन है वो किससे करा रहे अपन, पी की रिएक्शन किससे करा रहे अपन, CH3Cl और NaOH से। तो कौन सी रिएक्शन दिमाग में आ रही है, डायमेटिमा रिएक्शन दिमाग में आ रही है, मतलब CHO लगने वाला है कहीं ना कहीं, तो CHO ऑर्थो पे लगेगा और पेरा पे लग सकता है। तो दो प्रोडक्ट बना रखे हैं, बिल्कुल इन्होंने बना रखे हैं, तो अपन दोनों बना लेते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ पे CHO मतलब OHCHO एक बार ऑर्थो पे, और दूसरा वाला अपन क्या बना लेते हैं, ये OHCHO पेरा पे। तो ये जो ऑर्थो वाला है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है उसका, ये कैसा होता है इसका, माइनर। इसका मतलब यहां पर क्यों कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सा है, आर, यही वाजी, अरे यही वा। अब इन्होंने क्या करा रखा है कि क्यू की रिएक्शन किससे करा रखी है, NaOH के साथ, तो PH2CH2Br के साथ करा रखी है, किसकी रिएक्शन, क्यू की, तो करवा लेते हैं जी, किसके क्यू की रिएक्शन करवा लेते हैं। तो ये क्यू है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो किसके साथ, NaOH के साथ, तो NaOH के साथ करा रखी है, इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आएगा, CHO, बिल्कुल होगा। अब इसके आगे रिएक्शन किससे करा रखी है, PHCH2Br के साथ, ऐसी रिएक्शन थोड़ी देर पहले भी करी थी अपन ने, करना क्या है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कहां पर अटैक करेगा, CH2 पे, यहां से Br को बाहर निकाल देगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OCH2PH और ये CHO, ये आपका क्या बन गया, एस बन गया, हाँ जी, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या किया है, वापस समझो, क्यूमीन, पहले तो क्यूमीन कैसे बनाएंगे अपन, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे अपन,
CH3CH2CH2Cl या CH3CH3 और जो CH था बीच वाला उस पर Cl, उसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्यूमिन बन जाएगा। फिर क्यूमिन के ऑक्सीजन रेडिकल इनिशिएटर लेकर के करवाते हैं तो क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाता है। क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड का जब हाइड्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट करवा के हाइड्रोलिसिस ओवरऑल करवाते हैं तो क्या बनता है, फिनोल और एसीटोन। डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो आप लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना तो इतना टाइम होगा कि इतनी मैकेनिज्म अपन को डिस्कस करना है वहां पे। फिर देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन किससे, CaCl3 और NaOH के साथ में। जब इसकी रिएक्शन CaCl3 और NaOH के साथ कराएंगे तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है, यहां पे कौन सी है, रीमर-टीमर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रीमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है। तो यहां फॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो एक बार और तो पे हो जाएगा, एक बार पेरा पे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है OH कौन सा डायरेक्टिंग है, और तो पेरा डायरेक्टिंग है। यहां पर भी रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। हाँ, लेकिन कौन सा वाला मेजर, ऑर्थो वाला मेजर बनेगा। अब ये कह रहा है कि जब ओ जो क्यू है वो मेजर है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराएंगे तो सबसे पहले एसिडिक गैस को निकालेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव किसका जनरेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल कहां टेक करेगा, यहां पर, तो इसको बीआर को बाहर निकाल देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर ये वाला अपना क्या बन गया, एस बन गया। अब इन्होंने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चल चलते हैं, अपना आंसर जो भी है आंसर हो जाएगा। पहला बोला आर इज स्टीम वोलेटाइल, क्या बोला है जी, आर इज स्टीम वोलेटाइल। तो मुझे इतना बताओ ये क्यू और आर है, क्यू और आर है, यहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर। यहाँ कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर। तो जहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये बोला कि आर स्टीम वोलेटाइल, नहीं, क्यों यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल है, इसका मतलब ये आंसर तो इसका नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बोला Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution। आपको बताया फिनोलिक जो है OH है वो न्यूट्रल FeCl3 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो वॉयलेट कलर का क्या बना लेता है, वो वॉलेट कलेशन बना लेता है डार्क कलर का। तो जहां पर फिनोलिक दिख रहा है वहां बन जाएगा। तो क्यू के अंदर है क्या, बिल्कुल OH प्रेजेंट है क्यू में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू के अंदर OH प्रेजेंट है इसका मतलब ये डार्क कलर का, मतलब डार्क वॉलेट कलरेशन बनाएगा 1% FeCl3, एक तरीके से न्यूट्रल FeCl3 है, बिल्कुल ये आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला एस गिव्स डार्क वॉलेट, एस की स्ट्रक्चर देखो ये एस है, है? अब मुझे बताओ इस एस के अंदर कहीं पर भी आपको फिनोलिक OH नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। कह रहा है कि एस गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन, नहीं जी ये तो नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है पी इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर गिव्स वाइट पीपीटी, इसके और आगे की पूछ ली, क्या पूछ रहा है यार, है ये यार इनसे कम हो गया क्या, तो और आगे पूछ रहे हो आप, कोई बात नहीं जी। ये कह रहा है कि जो पी है तो पी क्या है पहले तो ये बताओ, तो पी यहाँ पे फिनोल है। अब ये कह रहा है जो फिनोल है इसकी रिएक्शन किससे करा दी अपन ने, ब्रोमीन वाटर से। तो देखो फिनोल की रिएक्शन जब अपन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, किससे कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से, तो आपको पता है ना ये ऐसा कुछ बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल ये बनता है। और ये क्या होता है इसका एक वाइट पीपीटी बना लेता है। तो ये कह रहा है कि पी इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर गिव्स वाइट पीपीटी, तो बिल्कुल ठीक बात है ये, इनकी ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, वाइट पीपीटी बना लेता है, मतलब ये तो ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि पहले तो इतनी पूरी रिएक्शंस होगी तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आ गई है, साथ में आपसे इनकी बातें पूछ ली, आपसे मैं बोलूँ तो एक तरीके से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कुछ बातें डिस्कस कर ली है, और साथ में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन रहा माइनर बन रहा बिल्कुल इसकी बारीकी पे चले गए ये। तो छोटी छोटी चीजें हैं आप ध्यान में रखोगे तो आपका वहां पर क्वेश्चन कहीं भी तरीके से गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर ए इज, देखो यहां पर क्या दिया है कि बीटा नेप्टोल दिया, उसकी रिएक्शन NaOH से कराई और ए है, और ए पूछा कि ए की कितनी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी, कितनी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल्स है। तो छोटी सी चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, बनाए लेते हैं। तो ए क्या बनेगा पहले तो देखो आप कि ये बेस है ये एसिड है, तो क्या बना लेगा एक तरीके से, ये ऐसा कुछ बनाने वाला है जी, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव। तो कुल मिला कि ये क्या बन गया अपना, ए बन गया। अब ये पूछा है कि ए की कितनी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये पूछा है इन्होंने, ये पूछा है। तो देखो बना लेते हैं अपन वन बाय वन। तो एक स्ट्रक्चर तो यही है, दूसरी क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव या रेजोनेंस करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होगा तो दूसरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा जी, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये भी ऐसे ही रहने वाला है, बाकी का यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है, सुनो, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा।
तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसका, ये बॉन्ड यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ और ये बॉन्ड। अब देखो यहां से दो चीजें पॉसिबल है, दो चीजें क्या क्या पॉसिबल है, एक तो इसी बॉन्ड को मैं इधर घुमा दूं ऐसे, एक तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई, और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या आ गई इसकी कि इस बॉन्ड को मैं कुछ इस तरीके से भी घुमा दूं, आ गई। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इधर वाले घुमाने की बात कर लेते हैं। तो जब इधर वाले घुमाने की बात करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा जी, यहां पर कोई नहीं छड़ा, अपन को ऐसा ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, ये बॉन्ड ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है, या नेगेटिव ये डबल बॉन्ड हो, इसको खत्म कर लेते हैं। तो बताओ ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला इधर जाएगा वापस, तो इधर जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यहां की बात तो खत्म हो गई, इधर आ जाते हैं। अच्छा इधर आओ तो देखो, इधर आया तो ये ऐसा कुछ बना, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया। अब दूसरा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां शिफ्ट हो जाएगा तो आगे वाले रेजोनेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनने वाली है। तो ये वाला बॉन्ड नेगेटिव यहां आ गया, यहां पर ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ और ये बॉन्ड। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाँ जी ऐसा कुछ होने वाला है। तो इधर शिफ्ट होने वाला है तो इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनने वाली है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहां जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनने वाली कुछ ऐसी बनने वाली है, इस बॉन्ड को बनने नहीं छेड़ा है, इस बॉन्ड को यहां आ गया, ये ओरिजिन पे नेगेटिव आ गया, ये बन गई इतनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। देखो चेक करते हैं अपन इसकी कौन कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, कैसी कैसी क्या क्या है। हाँ जी तो देखो एक तो ये बन गई, ये तो पहले थी जो है, ये काउंट करेंगे एक दो तीन, फिर इधर चार पांच छह सात आठ नौ, सारी डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, सबके सब डिफरेंट है। इसको चेक करोगे और इसको देखोगे, इसको देखो आप अच्छे से देखो, ये वाले बॉन्ड यहां अलग रोटेट हो रहे हैं, यहां पर ये वाले बॉन्ड इधर अलग रोटेट हो गए हैं, तो टोटल कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गई इसकी, अरे कितनी हो गई, 9। ये आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, 9। सिंपल सी। अब एक बार बताओ क्वेश्चन क्या क्या है, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिया, आप कुछ और किसी का पूछ ले तो तरीका तो यही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल ये रहेगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।